Alright guys, this is Dr.Asad imtiaz. Welcome to Dr.Asad Fitness. So, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इस फैट लॉस. बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि लाइक फैट लॉस स्टार्ट करते हैं बट फिर वो बीच में मिस कर देते हैं, उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो छोड़ देते हैं. एक मेजर चीज़ आपको जो समझनी है गाइस, फैट लॉस इज़ नेवर लीनियर. फैट लॉस कभी भी आपका एक स्टेज में नहीं चल सकता, एक पैरेलल ग्राफ नहीं हो सकता फैट लॉस का. कभी आपका वेट कम होगा, कभी आपका वेट ज़्यादा भी हो सकता है. फैट लॉस डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझाने वाली है, ज़्यादातर जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि वर्कआउट करते हैं, एक महीना दो महीने वर्कआउट करते हैं, उसके बाद जब वो छोड़ते हैं उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते. उन्हें लगता है कि उनकी वेस्ट कम नहीं हो रही, उनका वेट नहीं गिर रहा है, उनके इंचज़ कम नहीं हो रहे हैं, तो शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा. बट अगर आप सही से वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट से आपका मसल इंक्रीज़ करता है, आपका वेट कम डिक्रीज़ करता है, वर्कआउट से आपकी फैट डिक्रीज़ करती है. बट इट डिपेंड्स कि कितना टाइम हो चुका है. एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी गाइस, अगर आपके ये फैट सेल्स हैं, इस टाइम ये अकुमुलेटेड है फैट के साथ, जब आप वर्कआउट करेंगे कैलोरिक डेफिसिट में जाएंगे तो ये फैट को आपकी बॉडी यूज़ करेगी. आपकी बॉडी फैट सेल्स में से फैट निकालेगी उसको एनर्जी के लिए यूज़ करने के लिए. बट होता क्या है कि जितनी फैट निकलती है उसकी जगह पर वाटर फिल्ड अप हो जाता है. सो फैट सेल्स का साइज़ कम नहीं होता. वन मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ, अनलेस के सारा फैट जब निकलता है अंदर से, वाटर जो होता है उसके बाद बॉडी उस फैट सेल को खुद ब खुद श्रिंक होता है वो फैट सेल, और वाटर आपका बाहर आ जाता है और वो फैट सेल जो है वो डिकम्पोज हो जाता है बॉडी के थ्रू से. तो इस तरह से पहले एक दो मंथ, तीन मंथ लग सकते हैं आपको, आपकी बॉडी डिक्रीज़ नहीं कर रही, आपका वेस्ट लाइन डिक्रीज़ नहीं कर रहा, इट डिपेंड्स. सो डिसअपॉइंट नहीं होना है गाइस, जिस चीज़ पे चल रहे हो चलते रहो, चार मंथ, पाँच मंथ, इंशाल्लाह. दैट वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट इज फैट लॉस लीनियर और नॉट. एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेरीज जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.